नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी को एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में कई बार लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, जिससे नौकरी से लेकर बिजनेस पर काफी नेगेटिव असर पड़ा। हालांकि सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भी चला रखा है, जिससे जल्द से जल्द लोगों को टीकाकरण हो जाए। वहीं जनता से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो इससे घबराए नहीं और आगे आकर वैक्सीन की डोज, जिससे कोरोना की इस जंग को हम जीत सके। इस बीच अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम में वैक्सीन लगाने वालों के लिए अनूठी स्कीम निकाली गई है। दरअसल गुरुग्राम के साइबर सिटी मॉल में रेस्टोरेंट पब में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को 50% की छूट और पहली डोज लेने वालों को 25% की छूट दी जा रही है। पब और बार के डायरेक्टर युद्धवीर सिंह ने बताया कि हमारा ये स्पेशल ऑफर न सिर्फ बिजनेस को पूरा करेगा बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। इस ऑफर के तहत मॉल के बाहर बड़े बड़े 50% डिस्काउंट के बैनर लगाए गए, जिससे लोग इसे देख कर आए और ऑफर का फायदा उठाए। कोविड के बाद जो फुटफॉल है वो काफी डाउन आया है, तो सेल ऑब्वियसली सबकी डाउन आई है, तो वापस उसे अट्रैक्शन मोड में लाने के लिए और उसी एक लेवल पर लाने के लिए उनको कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है, और इसीलिए जनरली ये ऑफर्स चलाए जाते हैं। वैक्सीनेशन तो मस्ट है ही है, तो वो भी ये चाहते हैं कि वैक्सीनेटेड अगर वैक्सीनेशन करा कर आएंगे तो उससे स्प्रेड नहीं होगा कोविड, भी अपनी भी सेफ्टी और दूसरे की भी सेफ्टी है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम के कई बार और पब और रेस्टोरेंट्स हैं जहां वीकेंड पर भारी क्राउड रहता है। पूरे दिल्ली NCR के लोग यहां नाइट लाइफ एंजॉय करने आया करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद यहां सन्नाटा पसर गया। वहीं लॉकडाउन लगने पर सबसे ज्यादा इनके बिजनेस पर बड़ा असर पड़ा। कोरोना वायरस के बाद ये बिजनेस पूरी तरह से गिरता गया। ऐसे में ये ऑफर अब इस बिजनेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। हमने ये ऑफर चलाया हुआ है, जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखा है फर्स्ट डोज उनके लिए 25% का डिस्काउंट है, जिन लोगों ने सेकेंड डोज का वैक्सीन ले रखा है उनके लिए 50% का डिस्काउंट है। क्या वजह है इस तरह के डिस्काउंट चलाने की? इसका तो वजह सबसे पहले ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा पाएँ अपने को, और फर्स्ट डोज लगाएं, सेकेंड डोज लगाएं, जिससे हमारी इंडस्ट्री को भी थोड़ा फ़ायदा मिले। लोग मतलब रेगुलर हो जाए आने के लिए, वो निश्चिंत हो जाए कि हम अब इन्फेक्टेड ना होंगे कभी, तो इस तरह से लोग आते जाते रहे, बस ये है। दूसरा ये कि ऑफ़र एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का एक ऑफ़र एक ऐसा चीज़ होता है जो 25% दे या 50% दे, जो उससे लोग ना आना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा काम, मेरा डाइनिंग, मेरा आउटिंग सस्ते में हो जाएगा। दूसरी बात कि काफ़ी दिनों से लॉकडाउन कोरोना काल में लोग घर बैठे हुए थे, अब वो बाहर निकले हैं, थोड़ा सा उनको बाहर का खाना पीना इंटरटेनमेंट भी एक ऑफर प्राइस में हो जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। इधर गुरुग्राम के ही एम्बियंस मॉल के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए विशेष छूट दी जा रही है। मॉल एडमिन गीता ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने उनके काम की सराहना के प्रतीक के रूप में उनके लिए दुकानों में मुफ्त पार्किंग सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट की शुरुआत की है। इसका फायदा उठाने के लिए उन्हें बस अपना ID कार्ड दिखाना होगा। हमारे एम्बियंस मॉल ने इनिशिएटिव लिया है कि जो भी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम फ्री पार्किंग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और जितने भी हमारे मॉल में ब्रांड्स हैं वो इन्हें स्पेशल डिस्काउंट्स दे रहे हैं, जिनके लिए उन्हें बस अपना आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो डॉक्टर्स या नर्स या फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, और उन्हें हम ये सर्विस प्रोवाइड कराएं। हालांकि जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार थमती जा रही है, वैसे वैसे सरकार की ओर से छूट का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली NCR में फिर से मॉल्स में रौनक लौटने लगी है। लोग अपने परिवार के साथ घर के बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स लुभावने ऑफर दे रहा है, जिसके पीछे के मकसद की बात करें तो ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएंगे, जिससे कोरोना के मामलों में कमी देखी जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।